Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है सीए जसमीत सिंह अरोड़ा और मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ जिसे हम perquisites के नाम से जानते हैं और perquisites चार्जेबल टू टैक्स होते हैं अंडर द हेड सैलरीज। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे perquisites कैलकुलेट किए जाते हैं और कैसे perquisites को टैक्सेबल किया जाता है अंडर द हेड सैलरीज। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और आइए समझते हैं perquisites क्या होते हैं। perquisites क्या होते हैं? सर, ये जो perquisites होते हैं इन्हें हम बोलते हैं बेनिफिट्स। दीज आर द बेनिफिट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई एंड दीज बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड ईदर इन द कैश फॉर्म और इन काइंड फॉर्म। ये जो बेनिफिट्स होते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कैश फॉर्म में देता है या फिर एम्प्लॉयर ये उन्हें काइंड फॉर्म में देता है। व्हाट आर द एग्जांपल्स? क्या एग्जांपल्स हैं इसके? सर, एग्जांपल है, आपने सुना होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को रहने के लिए घर देता है। ये जो हाउस होता है ये जो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है इसे हम परक्विजिट बोलते हैं। आपने सुना होगा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दी हुई, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के घर में नौकर चाकर दिए हुए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टेलीफोन बिल भरता है। ऑल दीज आर perquisites और इन सब का ट्रीटमेंट हम इनकम अंडर द हेड सैलरीज के अंदर करके चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज समझ लेते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ perquisites? perquisites कितने तरीके के होते हैं? perquisites बच्चों तीन तरीके के होते हैं। ऐसे perquisites विच आर टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। कुछ perquisites ऐसे होते हैं जो टैक्सेबल होते हैं इन हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। कुछ perquisites ऐसे होते हैं विच आर एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉइज, जिन्हें हम टैक्स फ्री perquisites के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम टैक्स फ्री perquisites के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास कितने तरीके के perquisites हो गए? सर, टोटल हमारे पास थ्री टाइप्स के perquisites हो गए। एक ऐसे perquisites जो सब एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल है, ऐसे perquisites जो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल है, और ऐसे perquisites जो किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं है, जो कि किए गए हैं पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट। हम आज कहां से स्टार्ट करेंगे? हम हमारा स्टार्ट करेंगे perquisites जो टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट perquisites जो है वो है हमारा रेंट फ्री एकोमोडेशन और कंसेशनल एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन मतलब कि एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए घर दिया है और आपसे वो कुछ भी किराया चार्ज नहीं कर रहा है। कंसेशनल एकोमोडेशन का मतलब हुआ कि एम्प्लॉयर ने आपको घर दिया है और नॉर्मल रेंट चार्ज करने की जगह वो आपसे कंसेशनल रेंट चार्ज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है रेंटल वैल्यू घर की 10,000 पर मंथ हो, लेकिन आपका एम्प्लॉयर आपसे केवल 4,000 पर मंथ लेता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कंसेशनल एकोमोडेशन। रेंट फ्री नहीं है, कुछ पैसा चार्ज कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, लेकिन वो पैसा मार्केट वैल्यू से कम है, यानी कि एक तरीके का बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया गया है। हम ये जो perquisites पढ़ेंगे इनको हम पढ़ेंगे चार्ट के थ्रू और बाद में हम इनके ऊपर डिटेल्ड क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट विद प्रोविजन क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमारा रेंट फ्री एकोमोडेशन, और हमने हमारे एम्प्लॉइज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की और दूसरी कैटेगरी है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में वैल्यू ऑफ perquisites कैसे निकलती है ये समझते हैं।
सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम लाइसेंस फी ऑफ द हाउस ले लेंगे। लाइसेंस फी ऑफ द हाउस सर ये घर की वैल्यू है जो अगर किराए पे चढ़े जितना पैसा वो रेंट से फेच कर सकता है उस वैल्यू को बोला गया है लाइसेंस फी ऑफ द हाउस। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो जो घर आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है उस घर का हम लाइसेंस फी एस्टिमेट कर लेंगे। और आपको अगर फर्निश्ड एकोमोडेशन दिया गया है तो वहां पर हम एकोमोडेशन में जो फर्नीचर प्रोवाइड किया हुआ है, जो असेट्स प्रोवाइड करी है आपके एम्प्लॉयर ने, उन असेट्स की कॉस्ट का 10% पर एनम, उन असेट्स की कॉस्ट का 10% पर एनम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपके घर में टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सब चीजें आपके एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड करी है और ये सारी असेट्स एम्प्लॉयर की खरीदी हुई है, तो हम इन असेट्स का कॉस्ट का 10% आपके परक्यूजिट की वैल्यू में ऐड कर देंगे। और अगर ये असेट्स एम्प्लॉयर ने किराए पर ला कर दिए हैं तो हम इन असेट्स का हायर चार्जेस जो एम्प्लॉयर ने पे किया है उसे ऐड कर देंगे और इस वैल्यू में से हम माइनस कर देंगे जितना पैसा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है। अमाउंट रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। ऐड क्या करना है, लाइसेंस फी ऑफ द हाउस। लाइसेंस फी ऑफ द हाउस को हम इंक्रीज कर देंगे बाय 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट इफ एकोमोडेशन इज फर्निश्ड एकोमोडेशन एंड असेट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ऐड कर देंगे हायर चार्जेस ऑफ द असेट इफ एकोमोडेशन इज फर्निश्ड एकोमोडेशन एंड असेट्स आर टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर, और माइनस करवा देंगे अमाउंट रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉय ताकि ये पता लगाया जा सके टोटल बेनिफिट कितना मिला है एम्प्लॉय को। ये जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को हमने नाम दिया है टैक्सेबल परक्यूजिट्स। ये जो वैल्यू निकल के आएगी इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल परक्यूजिट बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। अब हम अपने दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट किसकी बात करता है, दूसरा पार्ट बात करता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हमने फर्दर डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉय और दूसरी कैटेगरी है हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको घर दिया है और वो घर एम्प्लॉयर के खुद का है तो इसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा। आपको एम्प्लॉयर ने घर किराए पे लेकर दिया है, मतलब एम्प्लॉयर ने पहले घर खुद किराए पे लिया है और बाद में एम्प्लॉय को ऐसा बेनिफिट प्रोवाइड किया है, तो उसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा। पहले देखते हैं इफ हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर तो वैल्यू कैसे निकलती है। जैसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में लाइसेंस फी ऑफ द हाउस लेते थे, हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी ले लेंगे। स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी में ऐड करा देंगे 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। इट मींस अगर आपका एकोमोडेशन फर्निश्ड है और वो असेट्स जो आपके घर में पड़ी हुई है उन असेट्स का मालिक एम्प्लॉयर खुद है तो असेट की वैल्यू का 10% पर एनम आपके परक्यूजिट्स में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर असेट का एम्प्लॉयर मालिक एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयर ने वो असेट्स किराए पर लाकर आपको दी हुई है तो हम हायर चार्जेस ऑफ द असेट पेड बाय द एम्प्लॉयर को आपके परक्यूजिट्स की वैल्यू में ऐड कर देंगे और माइनस करा देंगे यहां पर भी जितना पैसा रिकवर कर लिया है एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर में। और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हमने क्या बोलना है, सर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है आपकी टैक्सेबल परक्यूजिट की वैल्यू। अब दो प्रॉब्लम है हमारे पास। पहला, सर व्हाट इज स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी एंड व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी। सर स्पेसिफाइड परसेंटेज क्या है वो बता दो और सैलरी का मतलब क्या है वो बता दो।
तो देखो नीचे एक टेबल बनाया है मैंने जिसमें मैंने स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी को एक्सप्लेन किया है। ये स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी किस पे डिपेंड कर रही है? ये स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रही है। आपको घर जिस एरिया में दिया गया है उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है, उस सिटी का पॉपुलेशन कितना है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर परक्विजिट्स। तो अगर पॉपुलेशन आपकी लेस देन 10 लाख है तो हमें लेना है 7.5% ऑफ सैलरी। आपको घर जहां दिया गया है वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की है तो हमें लेना है 10% ऑफ सैलरी। जहां आपको घर दिया गया है वहां की पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है तो हमें लेना है 15% ऑफ सैलरी। क्या बोला मैंने? अगर आपको घर जिस सिटी में दिया गया है वहां की पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है तो हम लेके चलते हैं 7.5% ऑफ द सैलरी। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख है तो हम लेकर चलते हैं 10% ऑफ द सैलरी। और जहां आपको घर दिया गया है वहां की पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है तो हम लेकर चलते हैं 15% ऑफ सैलरी। अब अगला मुद्दा कि सर सैलरी में क्या क्या आता है? What is the meaning of salary? What is the meaning of salary? Salary में सर आप क्या क्या लोगे? Meaning of salary, it includes basic salary. सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? Basic salary. अगला आइटम लेंगे DA, और DA वो वाला लेंगे जो retirement salary का पार्ट बनता है। जितना DA retirement salary का पार्ट बनता है जैसे कैलकुलेशन HRA में की जाती है वैसे यहां पर भी है, DA वही वाला लेंगे जो रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट बनता है। अगर डीएनएस अलाउंस रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट नहीं है तो हमें डीएनएस अलाउंस कंसीडर नहीं करना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग रेंट फ्री अकोमोडेशन और कंसेशनल अकोमोडेशन। इसके बाद तीसरा हमें टैक्सेबल अलाउंसेस ले लेने हैं। जितने भी टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस हैं वो सब ले लिया जाएगा। कमीशन ले ली जाएगी, बोनस ले ली जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट इंक्लूड कर लिया जाएगा। क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? सर बेसिक सैलरी ले लेंगे, सर डीएनएस अलाउंस ले लेंगे जो रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट बनता है, सर टैक्सेबल अलाउंसेस ले लेंगे, सर कमीशन ले लेंगे, सर बोनस ले लेंगे, और सर किसी भी प्रकार का मॉनेटरी बेनिफिट ले लेंगे। क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है? एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में एक्सक्लूड करना है। किसी भी प्रकार का अगर कोई लमसम पेमेंट मिला है जैसे कि ग्रेचुटी मिली है, कम्यूटेड पेंशन रिसीव हुई है, लीव एनकैशमेंट रिसीव हुआ है, इसे इंक्लूड नहीं करना है। किसी भी प्रकार के परक्यूजिट्स को इंक्लूड नहीं करना है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें जो सैलरी चाहिए उस सैलरी में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे फटाफट से? पहला बेसिक सैलरी लेंगे, दूसरा डीएनएस अलाउंस लेंगे अगर रिटायरमेंट सैलरी का पार्ट बन रहा है, तीसरा कमीशन लेंगे, चौथा बोनस लेंगे, पांचवा सभी टैक्सेबल अलाउंसेस ले लेंगे, और छठा किसी भी प्रकार का मॉनेटरी बेनिफिट ले लेंगे। क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इंक्लूड नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का लमसम पेमेंट अगर आपको रिसीव हुआ है जैसे कि ग्रेचुटी आपको रिसीव हुई है, कम्यूटेड पेंशन आपको रिसीव हुई है, लीव एनकैशमेंट आपको रिसीव हुआ है, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और किसी भी प्रकार के परक्यूजिट्स को हम सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन और कंसेशनल अकोमोडेशन को हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल परक्यूजिट कैसे निकलता है? लाइसेंस फी ऑफ द हाउस ले लेते हैं, उसमें 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट प्रोवाइड कर ऐड कर देते हैं। अगर आपका फर्निश्ड अकोमोडेशन है और असेट एम्प्लॉयर के खुद की है, और अगर एसेट एम्प्लॉयर के खुद की नहीं है किराए पर ला कर दी है तो हम ऐड कर देते हैं हायर चार्जेस ऑफ द असेट, माइनस करवा देते हैं अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, जो वैल्यू आता है उसको अपन बोल के चलते हैं टैक्सेबल परक्यूजिट। दूसरा आता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास दो केसेस, पहला केस
अगर घर एम्प्लॉयर के खुद का है और दूसरा घर एम्प्लॉयर ने घर किराए पर ला कर दिया है। अगर घर एम्प्लॉयर के खुद का है तो उसमें हम स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ सैलरी ले लेते हैं, ऐड कर देते हैं 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, ऐड कर देते हैं हायर चार्जेस ऑफ द एसेट, माइनस कर देते हैं अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड परसेंटेज से मतलब है सर, स्पेसिफाइड परसेंटेज डिपेंड करेगा पॉपुलेशन पे, जिस सिटी में आपको घर प्रोवाइड किया गया है वहां की पॉपुलेशन के बेसिस पे। अगर आपको ऐसी जगह पे घर प्रोवाइड किया गया है जहां की पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है तो हमें 7.5% ऑफ सैलरी लेना है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख तक की है हमें 10% ऑफ सैलरी लेना है। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा की है तो हमें 15% ऑफ सैलरी लेना है। सैलरी में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? बेसिक सैलरी इंक्लूड करेंगे, डीएनएस अलाउंस, रिटायरमेंट सैलरी वाला इंक्लूड करेंगे, सभी टैक्सेबल अलाउंसेस इंक्लूड करेंगे, कमीशन इंक्लूड करेंगे, बोनस इंक्लूड करेंगे, एनी मॉनेटरी पेमेंट इंक्लूड करेंगे। क्या इंक्लूड नहीं होगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इंक्लूड नहीं होगा, कोई लमसम पेमेंट इंक्लूड नहीं होगी जैसे कि ग्रेच्युटी, कमिटेड पेंशन, लीव एनकैशमेंट एक्सेट्रा, और किसी भी प्रकार का परक्विजिट इंक्लूड नहीं होगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूं आप सबको। आगे बढ़ते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दूसरा केस। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दूसरा केस, हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर। अगर आपके एम्प्लॉयर ने घर किराए पर लेकर आपको दिया है तो हम लेते हैं 15% ऑफ सैलरी या फिर रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। इन दोनों में से जो भी कम है उस फिगर को हम यहां ले लेते हैं और इस फिगर में वही अपना 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट एड कर देंगे, हायर चार्जेस ऑफ द असेट एड कर देंगे, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय डिडक्ट कर देंगे और जो वैल्यू बाहर निकल कर आएगी उस वैल्यू को हम बोल देंगे सर ये है हमारी टैक्सेबल। ठीक, यहां तक बात सबको क्लियर है उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ अगर आपको एकोमोडेशन होटल में प्रोवाइड किया, वॉट इफ अगर आपको एकोमोडेशन होटल में प्रोवाइड किया जाए, घर नहीं दिया है, घर नहीं दिया है, आपको होटल में एकोमोडेशन दे दी गई, तो टैक्सेबल परक्विजिट क्या होगा? 24% ऑफ द सैलरी या फिर एक्चुअल चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर टू होटल। सर जितना होटल में चार्जेस पे किए हैं वो, या फिर 24% ऑफ द सैलरी, इसमें से जो भी लोअर है विच एवर इज लोअर उसको अपन क्या बोल देंगे? उसको अपन बोल देंगे टैक्सेबल परक्विजिट। टैक्सेबल परक्विजिट क्या आएगा? या तो 24% ऑफ द सैलरी या तो एक्चुअल चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर टू होटल। सैलरी का मतलब यहां पर क्या है? सर यहां पर भी सैलरी का मतलब सेम है जो अभी आपने पीछे पढ़ा है। यहां पर एक छोटी सी एग्जेम्पशन दी गई है। एग्जेम्पशन मतलब कब होटल एकोमोडेशन, कब होटल एकोमोडेशन टैक्स फ्री हो जाएगी, मतलब इसे इनकम अंडर द हेड सैलरी में कब इंक्लूड नहीं किया जाएगा। व्हेन द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन होटल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अगर आपका ट्रांसफर हुआ है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं कानपुर में जॉब करता हूं और मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है टू दिल्ली, ठीक है ना, मैं कानपुर में जॉब करता हूं और मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है दिल्ली में और स्टे इन होटल डज नॉट एक्सीड 15 डेज, तो मुझे कानपुर से दिल्ली भेज दिया गया और दिल्ली में मुझे होटल में स्टे दिलवाई गई और ये जो होटल की स्टे थी इट इज नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, मींस इट इज लेस देन और इक्वल्स टू 15 डेज। अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो जाती, मतलब कि आपको होटल में स्टे इस वजह से दिया गया है क्योंकि आपका ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम वन जॉब लोकेशन टू अनदर जॉब लोकेशन एंड स्टे इन होटल डज नॉट एक्सीड 15 डेज, तो कुछ भी चार्जेबल टू टैक्स नहीं। 15 दिन से ज्यादा का स्टे होगा देन इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स, अदरवाइज इट विल बी एग्जेम्प्ट। तीसरा केस इसमें पढ़ते हैं।
accommodation at more than one place. Accommodation at more than one place due to transfer. Accommodation at more than one place due to transfer. For example, आप कानपुर में रहते हैं और कानपुर में आप जॉब कर रहे थे और आपको यहां पर रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया हुआ था और अब आपका ट्रांसफर कर दिया गया है दिल्ली में और दिल्ली में भी आपको क्या दे दिया गया है रेंट फ्री अकोमोडेशन. अब हुआ क्या है दिल्ली में एम्प्लॉय रह रहा है और कानपुर में एम्प्लॉय की फैमिली रह रही है. मतलब सर अभी तक उसने कानपुर वाला घर भी नहीं छोड़ा और उसे दिल्ली जाते ही एक नया घर एम्प्लॉयर ने रहने के लिए दे दिया. तो अब इस केस में क्या होगा. तो कहते हैं कि पहले 90 दिन के लिए एनी वन अकोमोडेशन स्टिक्स इट, यानी कि या तो कानपुर वाला या तो दिल्ली वाला, इनमें से जिसका भी वैल्यू आपका कम निकले पहले 90 दिनों के लिए उसे हम चार्जेबल टू टैक्स करेंगे. लेकिन 90 दिन के बाद बोथ अकोमोडेशंस आर टैक्सेबल. 90 दिन के बाद कानपुर वाला भी टैक्सेबल हो जाएगा और दिल्ली वाला भी टैक्सेबल हो जाएगा. तो पहले 90 दिन में कानपुर के अकोमोडेशन की वैल्यू निकालेंगे और दिल्ली के अकोमोडेशन की वैल्यू निकालेंगे और दोनों में से जो भी कम आएगी वो चार्जेबल टू टैक्स होगी. और 90 दिन के बाद कानपुर वाले अकोमोडेशन की वैल्यू और दिल्ली वाले अकोमोडेशन की वैल्यू, दोनों वैल्यू चार्जेबल टू टैक्स हो जाएंगी. और वैल्यू निकालने का तरीका अभी हमने सीखा गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में. यहां तक बातें क्लियर हुई आप लोग को, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूं. गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले परक्विजिट पे. और अगला परक्विजिट है हमारे पास इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन. आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है और ये लोन या तो इंटरेस्ट फ्री है, मतलब वो हमसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है, या फिर वो हमसे कंसेशनल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है. कंसेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि सर नॉर्मल इंटरेस्ट तो 10% है लेकिन हमारा एम्प्लॉयर हमसे चार्ज कर रहा है केवल 6%. तो वो हमें बेनिफिट कितने का दे रहा है, वो हमें बेनिफिट दे रहा है 4% का. तो केवल 4% का बेनिफिट ही चार्जेबल टू टैक्स होगा. आइए समझते हैं कैसे करना है इसको. इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन. इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड, द इंटरेस्ट एट द रेट चार्ज बाय SBI ऑन द फर्स्ट डे of the relevant previous year at maximum outstanding monthly balance as reduced by the interest if any actually paid by him or any member of his household. तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर employer ने employee को कोई loan दिया है या फिर employer ने employee के किसी भी family member को loan दिया है तो जितना इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करती है सिमिलर लोन के लिए हम उसको पकड़ के चलेंगे. जितना इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करती है सिमिलर पर्पस के लोन के लिए हम उसको पकड़ के चलेंगे. और क्योंकि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से, तो सिंप्लिसिटी पर्पसेस के लिए क्या किया गया है, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है उसको पकड़ लेंगे.
यानी कि 1 अप्रैल का एसबीआई का इंटरेस्ट रेट हमारे लिए रिलेवेंट है परक्यूजिट को कैलकुलेट करने के लिए। और ये परक्यूजिट किस पे निकल रहा है? मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस पे। हर महीने के आखिरी में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पे ये परक्यूजिट कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मंथली किया जाएगा। हर महीने के आखिर में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस बैलेंस के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे एसबीआई का रेट जो प्रिवेल करता है फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर को, ताकि हमारे पास परक्यूजिट का वैल्यू निकल के आ सके। और अगर कोई इंटरेस्ट एक्चुअली में पे किया है एम्प्लॉई ने या फिर उसके फैमिली मेंबर ने, तो उस इंटरेस्ट को हमें क्या कर देना है, उस इंटरेस्ट को हमें रिड्यूस कर देना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल बताया कि नॉर्मल रेट 10% है और हमारा एम्प्लॉयर हमसे 6% ले रहा है, तो मैंने रिड्यूस कर दिया, 10% में से 6% माइनस कर दिया और बेनिफिट कितना है 4%। तो फिर केवल कितना क्या चार्जेबल टू टैक्स होगा? फिर केवल 4% इज चार्जेबल टू टैक्स। बात समझ में आ रही है? एक्सेप्शन क्या है? नो टैक्सेबल परक्यूजिट इफ लोन इज फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, लोन इज फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड एलिमेंट्स के लिए, लोन इज फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड एलिमेंट। और स्पेसिफाइड एलिमेंट्स कहां दी हुई है? रूल नंबर 3A में दी हुई है। अगर एम्प्लॉई ने अपने बीमारी के लिए या अपने फैमिली मेंबर की बीमारी के लिए लोन लिया है एम्प्लॉयर से और एम्प्लॉयर ने उसे इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन दिया है, और ये जो बीमारी थी ये रूल 3A में स्पेसिफाई करी गई है, तो इस लोन पे कोई भी परक्यूजिट कैलकुलेट नहीं होगा, चाहे वो इंटरेस्ट फ्री हो चाहे वो कंसेशनल। वेयर द लोन अमाउंट इज इन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपए। अगर 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन नहीं है, इसको कैसा लोन बोला गया है? इसे बोला गया है पेटी लोन। अगर पेटी लोन है, 20,000 रुपए तक का ही लोन है एम्प्लॉय के ऊपर, तो कोई भी टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं निकलेगा। दो केसेस में टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं निकलेगा। पहला, अगर आपने स्पेसिफाइड डिसीज के लिए लोन लिया है तो आपका परक्यूजिट कैलकुलेट नहीं होगा। और दूसरा, अगर आपका लोन 20,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है इन एग्रीगेट, मतलब एम्प्लॉय के ऊपर कर्जा एम्प्लॉयर का 20,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है, तो कोई भी टैक्सेबल परक्यूजिट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ठीक, एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन कैसे निकलेगा? सर, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन निकालने के लिए हम एसबीआई का रेट लेंगे। एसबीआई का रेट कौन से डेट पे लेंगे? हम एसबीआई का रेट लेंगे फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर को। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है एम्प्लॉई, तो इस इंटरेस्ट को क्या कर दिया जाएगा? इस इंटरेस्ट को रिड्यूस्ड कर दिया जाएगा। किस रेट से? इस इंटरेस्ट को रिड्यूस करवा दिया जाएगा एसबीआई के रेट से। बात समझ में आ गई? ठीक सर, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं अगले परक्यूजिट पे। ये हम कौन से परक्यूजिट्स पढ़ रहे हैं? ये हम वो परक्यूजिट पढ़ रहे हैं जो चार्जेबल टू टैक्स है इन द हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। चलिए तीसरे परक्यूजिट पे चढ़ते हैं। तीसरा परक्यूजिट है यूज ऑफ मूवेबल असेट बाय द एम्प्लॉय। यूज ऑफ मूवेबल असेट बाय द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर की कोई असेट, एम्प्लॉय यूज कर रहा है, तो उसको भी क्या बोल दिया है? उसको भी बोल दिया है परक्यूजिट। अगर एम्प्लॉयर की कोई असेट एम्प्लॉई यूज कर रहा है तो उसे भी क्या बोल दिया गया है? उसे भी बोल दिया गया है परक्यूजिट। और ये परक्यूजिट चार्जेबल टू टैक्स है इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ये परक्यूजिट चार्जेबल टू टैक्स है इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। आइए देखते हैं ये परक्यूजिट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। यूज ऑफ मूवेबल असेट बाय द एम्प्लॉई और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड। हमने असेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है यूज ऑफ लैपटॉप और कंप्यूटर। तो अगर आप एम्प्लॉयर का लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, एम्प्लॉयर का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या निकलेगी? निल। निल क्यों निकल रही है?
क्योंकि सर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लैपटॉप इसलिए दिया है ताकि आप घर जाकर प्रेजेंटेशंस रेडी कर सके, आप घर जाकर भी ऑफिस का काम कर सके, ये बहाना ना बना सके कि हमारे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। तो अगर एम्प्लॉयर ने लैपटॉप और कंप्यूटर दिया हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं ये लैपटॉप और कंप्यूटर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए प्रोवाइड किया गया है, पर्सनल पर्पसेस के लिए प्रोवाइड नहीं किया हुआ। मूवेबल असेट अदर देन लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स एंड असेट्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड। ये असेट्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड में क्या आएगा? ये असेट ऑलरेडी स्पेसिफाइड में आएगा कार। हम कार का परक्यूजिट अलग से निकालेंगे। तो यहां पर मूवेबल असेट कौन सी आएंगी अदर देन लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर? लैपटॉप की वैल्यू क्या है? निल है। और कार का परक्यूजिट हम सेपरेटली निकालना सीखेंगे, इसलिए उसको यहां पर कवर नहीं कर रहे हैं। तो कार और लैपटॉप और कंप्यूटर के अलावा अगर आपने और कोई असेट एम्प्लॉयर की इस्तेमाल करी है तो उसका परक्यूजिट्स हम यहां पर कैलकुलेट करके चलेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या ले लेंगे? 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच असेट अगर असेट एम्प्लॉयर की है। अगर असेट एम्प्लॉयर की खुद की है तो हम 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट ले लेंगे। और अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे असेट लेकर एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दी है तो अमाउंट ऑफ रेंट चार्ज पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर वो हम ले लेंगे। और इसमें से हम माइनस करवा देंगे जितना पैसा रिकवर कर लिया है एम्प्लॉय से। मैंने आपको क्या बताया था? परक्यूजिट्स होते हैं बेनिफिट। तो जितना पैसा उसने हमसे ले लिया वो बेनिफिट नहीं है। तो हम 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट में या फिर हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर में से जितना पैसा एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है वो माइनस कर देंगे और जो फिगर आएगी सर जी उसको क्या बोलेंगे? टैक्सेबल परक्यूजिट। समझ में आ रही है बात? फटाफट से रिवाइज करते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने अपनी कोई असेट यूज करने के लिए दी हुई है एम्प्लॉय को या फिर एम्प्लॉय के किसी फैमिली मेंबर को तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा? उसके लिए हमने असेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी में हमने लैपटॉप्स और कंप्यूटर को डाला। लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स की वैल्यू कभी भी परक्यूजिट नहीं बनती है, मतलब यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? निल। लैपटॉप एंड कंप्यूटर का यूज कभी भी चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। अदर मूवेबल असेट्स, अदर मूवेबल असेट्स में कौन कौन सी मूवेबल असेट्स? सर लैपटॉप कंप्यूटर और कार को छोड़ के, लैपटॉप कंप्यूटर और कार को छोड़ के बाकी सभी असेट्स का परक्यूजिट यूज ऑफ मूवेबल असेट में आ जाएगा। इसमें हमें क्या लेना है? इसमें हमें 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट लेना है या फिर जो रेंट चार्जेस पे करे हैं एम्प्लॉयर ने वो लेने हैं और इसमें से हमें माइनस करवा देना है अमाउंट रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉय और जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू को हमने नाम दे देना है टैक्सेबल परक्यूजिट। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले परक्यूजिट्स के ऊपर। अगला परक्यूजिट है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। अगला परक्यूजिट है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। एम्प्लॉयर ने अपनी मूवेबल असेट एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दी और कोई भी पैसा नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, तो जो वैल्यू है उस असेट की वो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके लिए? टैक्सेबल परक्यूजिट। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयर ने अपनी वॉच एम्प्लॉय को दे दी और इस वॉच की जो वर्थ थी वो थी से ₹10,000, तो ये ₹10,000 क्या बन जाएंगे? ये ₹10,000 टैक्सेबल परक्यूजिट बन जाएंगे इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। और मान लीजिए ये ₹10,000 की वॉच उसने एम्प्लॉय को दे दी ₹2,000, ये ₹10,000 की चीज एम्प्लॉय को दे दी ₹2,000, ₹2,000 पे करे हैं एम्प्लॉय ने, तो टैक्सेबल परक्यूजिट कितना बन जाएगा? हम ₹10,000 में से ₹2,000 माइनस कर देंगे और एम्प्लॉय के हाथ में कितना चार्जेबल टू टैक्स होगा? ₹8,000, जो कि नेट बेनिफिट हुआ है एम्प्लॉय को। बात समझ में आ रही है? अब हमें इसके अंदर सीखना क्या है कि ये सर जो वर्थ निकाली है आपने, ये ₹10,000 कैसे निकलेगी, ये निकालना हमको सीखना है। इसके लिए हमने असेट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी में हमने डाला है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स,
दूसरी कैटेगरी में हमने डाला है मोटर कार और तीसरी कैटेगरी में हमने डाला है बाकी बची हुई एसेट्स को। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का वैल्यू कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ असेट टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को ये असेट जितने की पड़ी थी उस वैल्यू में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कराएंगे। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 50%, डेप्रिसिएशन 50% का माइनस होगा। किस मेथड से माइनस होगा? रिटन डाउन वैल्यू के बेसिस पे माइनस होगा। फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज, ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज, इसका मतलब कि अगर असेट को यूज किया गया है 2 साल और 7 महीने तो हम डेप्रिसिएशन कितने टाइम का लगाएंगे? हम डेप्रिसिएशन केवल 2 ईयर्स का लगाएंगे। ये जो फ्रैक्शन ईयर है 7 महीने का, इस 7 महीने को इग्नोर कर दिया जाएगा, इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? डेप्रिसिएशन किसका लगाना है? फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर का। तो हमने क्या लेनी है? कॉस्ट ऑफ असेट टू एम्प्लॉयर लेनी है। कॉस्ट ऑफ असेट टू एम्प्लॉयर में 50% का डेप्रिसिएशन WDV मेथड से माइनस करवा देना है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि 2 साल और 7 महीने अगर असेट यूज हुई है तो डेप्रिसिएशन केवल 2 साल का ही माइनस करेंगे, 7 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा। जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में से जितना पैसा एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया गया है वो माइनस कर देंगे और जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू को सर हम क्या नाम देंगे? उस वैल्यू को हम नाम दे देंगे टैक्सेबल परक्विजिट का। उस वैल्यू को हम नाम दे देंगे टैक्सेबल परक्विजिट का। चलिए फटाफट से कॉस्ट ऑफ असेट टू द एम्प्लॉयर में से क्या माइनस कर देंगे? डेप्रिसिएशन। कितने रेट से सर? 50% से। कौन से मेथड से सर? WDV। कितने सालों के लिए सर? कंप्लीटेड ईयर्स के लिए माइनस कर देंगे। जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में से जितना पैसा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है उस पैसे को भी हम माइनस कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सेबल परक्विजिट। वेरी गुड बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास मोटर कार। मोटर कार के केस में भी हमने यही करना है, कॉस्ट ऑफ असेट टू द एम्प्लॉयर में से माइनस कराना है डेप्रिसिएशन। लेकिन डेप्रिसिएशन का रेट कितना कर दिया गया? सर डेप्रिसिएशन का रेट कर दिया गया 20%। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में था 50%, क्योंकि सर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत जल्दी जल्दी आता है इस एरिया में, इसलिए डेप्रिसिएशन का रेट 50% है। मोटर कार में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतनी तेजी से नहीं आता है, लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए डेप्रिसिएशन का रेट रखा है 20% का। मोटर कार में डेप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा 20%, मेथड लगाया जाएगा आपका WDV और यहां पर भी कंप्लीटेड ईयर का ही डेप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा, पार्ट ऑफ द ईयर का डेप्रिसिएशन इग्नोर कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में से अपन माइनस करवा देंगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। जितना पैसा हमने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है उस पैसे को हम यहाँ पर डिडक्ट करवा देंगे और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हमने क्या नाम दे देना है? उस वैल्यू को हमने नाम दे देना है टैक्सेबल परक्विजिट। क्लियर? ये एम्प्लॉय की सैलरी में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी है एनी अदर असेट। एनी अदर असेट में अपने को क्या करना है? कॉस्ट ऑफ असेट टू द एम्प्लॉयर, कॉस्ट ऑफ असेट टू द एम्प्लॉयर में से माइनस कराना है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। माइनस कराना है एट द रेट ऑफ 10% और मेथड कौन सा लगाना है? मेथड लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए ऊपर था डेप्रिसिएशन 50, मोटर वार में कर दिया 20, एनी अदर असेट में कर दिया है 10%। ऊपर मेथड था WDV, दूसरे में मेथड था WDV, तीसरे में मेथड कर दिया है SLM, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर और माइनस करा देंगे जितना पैसा हमने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी हो गई हमारी लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर में से माइनस करा देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 50% फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज। जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में से माइनस करा देंगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। ये वैल्यू तभी आएगी जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को असेट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर नहीं करी होगी। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को असेट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर करी होगी तो ये वैल्यू क्या चलेगी? 0। दूसरा था हमारे पास मोटर कार, कॉस्ट ऑफ द कार में से माइनस कराएंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% WDV बेसिस पे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू में से माइनस करा देंगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। जो वैल्यू आएगी उसको अपन बोल के चलेंगे टैक्सेबल परक्विजिट। तीसरा एनी अदर एसेट, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर में से माइनस कराएंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%।
ध्यान से, डेप्रिसिएशन कौन सा माइनस होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड से माइनस होगा. फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज, पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर कर देना है, जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू में से माइनस करा देंगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? टैक्सेबल परक्विजिट. क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं. अगला आता है हमारे पास वैल्यू ऑफ ट्रेवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन एंड एनी अदर एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी हॉलीडे अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड. वैल्यू ऑफ ट्रेवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन एंड एनी अदर एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी हॉलीडे अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय. खर्चा कौन उठा रहा है सर? घूमने फिरने का खर्चा उठा रहा है एम्प्लॉयर. और घूमने कौन जा रहा है? या तो एम्प्लॉय जा रहा है या तो एनी मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड. तो घूमने गया है एम्प्लॉय, खर्चा उठाया है एम्प्लॉयर ने. आइए चेक करते हैं इसका परक्विजिट कैसे निकलेगा. हमने इसको फिर से तीन कैटेगरीज में, सॉरी हमने इसको फिर से, आई थिंक यहां पे हमने चार कैटेगरीज, यहां हमने चार कैटेगरीज बनाई है, यहां हमने चार कैटेगरीज बनाई है. पहला, वेयर सच फैसिलिटी इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर बट नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल द एम्प्लॉयज. तो सर हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को बाहर घूमने तो भेजता है, लेकिन ये फैसिलिटी बाहर घूमने जाने की हर एम्प्लॉय को अवेलेबल नहीं है. इट इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल द एम्प्लॉयज. तो इस केस में कह रहा है परक्विजिट इज इक्वल्स टू वैल्यू एट विच सच फैसिलिटी इज ऑफर्ड बाय अदर एजेंसीज टू द. मतलब सर एम्प्लॉय गया है घूमने मलेशिया और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को भेजता रहता है घूमने फिरने के लिए और खर्चा उनका उठाता रहता है, लेकिन ये बेनिफिट वो सब एम्प्लॉयज को नहीं देता है, केवल खास खास एम्प्लॉयज को देता है. तो इस केस में जब एम्प्लॉय मलेशिया घूमने गया है और ये फैसिलिटी सब एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालने के लिए आउटसाइड एजेंसी, फॉर एग्जाम्पल यात्रा.com मलेशिया के टूर पैकेज का जितना पैसा चार्ज करता है उस पैसे को हम क्या बना देंगे? उस पैसे को हम बना देंगे वैल्यू ऑफ परक्विजिट. क्या बोला मैंने? जितना पैसा आउटसाइड एजेंसी चार्ज करती है जनरल पब्लिक से, उस वैल्यू को बना दिया जाएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट. और अगर कोई पैसा हमने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है तो उस पैसे को हम यहां कर देंगे माइनस. अगर कोई पैसा हमने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है उस पैसे को हम यहां कर देंगे माइनस, और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम बोल देंगे टैक्सेबल परक्विजिट. उस वैल्यू को हम बोल देंगे टैक्सेबल परक्विजिट. दूसरा केस, वेयर सच फैसिलिटी इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल द एम्प्लॉयज. ऊपर क्या था? ऊपर था नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल द एम्प्लॉयज. यहां क्या बोल रहा है? इट इज अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल द एम्प्लॉयज. इफ इट इज अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल द एम्प्लॉयज, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैसे निकलेगी? परक्विजिट इज इक्वल्स टू अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर ने जो पैसा खर्च किया है एम्प्लॉय के इस टूर पे, इस ट्रेवलिंग पे, उस वैल्यू को ले लेंगे और उस वैल्यू में से माइनस करा देंगे जितना पैसा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है, और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम नाम दे देंगे टैक्सेबल परक्विजिट. बात समझ में आई? दोनों में फर्क समझ में आया? व्हेन इट इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू द एम्प्लॉयज, तो हम किसकी वैल्यू ले रहे थे? आउटसाइड एजेंसी जितना पैसा चार्ज कर रही थी. When it is available uniformly to the employees, तो हम क्या ले रहे हैं? Employer ने जितने expenses किए हैं employee के इस tour and travel पे, उसको consider कर लिया. तीसरा क्या कह रहा है? Where the employee is on the official tour, where the employee is on the official tour and expenses are incurred in respect of any member of his household and company. मतलब सर एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर पर गया है
और एम्प्लॉय अपने साथ अपने किसी फैमिली मेंबर को ले गया है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स की नई नई शादी हुई और मिस्टर एक्स को ऑफिशियल टूर पर भेजा गया है. और क्योंकि नई नई शादी हुई है तो बीवी से भी बहुत लगाव है, तो इन्होंने कहा एम्प्लॉयर से, सर मैं तभी जाऊंगा जब आप मेरे साथ मिसेस एक्स को भेजोगे. तो एम्प्लॉयर ने कहा चल ठीक है भाई, तेरी नई नई शादी हुई है, ले जा तू अपनी बीवी को अपने साथ. तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर मिस्टर एक्स का खर्चा भी उठा रहा है और एम्प्लॉयर मिसेस एक्स का खर्चा भी उठा रहा है. मिस्टर एक्स तो ऑफिशियल टूर पे है, इन पे जो खर्चा हो रहा है वो ऑफिशियल खर्चा है, लेकिन मिसेस एक्स ऑफिशियल टूर पे नहीं है, मिसेस एक्स तो वेकेशन पे है. इस पे जो खर्चा हो रहा है दैट अमाउंट विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स. तो एम्प्लॉयर मिसेस एक्स पे जो भी खर्चा करेगा वो खर्चा टैक्सेबल हो जाएगा मिस्टर एक्स के हाथ में. चलिए परक्विजिट की अमाउंट क्या बनेगी, अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, और इसमें से माइनस करा देंगे जितना पैसा हम एम्प्लॉय से रिकवर कर लेंगे. मतलब अगर मिस्टर एक्स कुछ पैसा मिसेस एक्स के ट्रेवलिंग एंड टूरिंग का दे देंगे, उस पैसे को माइनस कर देंगे और रिमेनिंग अमाउंट हमारे लिए क्या बन जाएगी, टैक्सेबल. पर चलिए फटाफट से अगला लास्ट पॉइंट इसके अंदर, वेयर द ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड एज वेकेशन. सर मिस्टर एक्स गए थे ऑफिशियल टूर पे एक महीने के लिए, मिस्टर एक्स गए थे ऑफिशियल टूर पे एक महीने के लिए और डील क्रैक हो गई जिस काम से गए थे और कंपनी को 100 करोड़ का फायदा हो गया. एम्प्लॉयर बहुत खुश हुआ और एम्प्लॉयर ने मिस्टर एक्स को वेकेशन दे दिया, कहा आप अब एक महीना और घूमिए फिरिए खाइए पिए और पूरा का पूरा बिल जो है वो एम्प्लॉयर उठाए. ठीक है, मतलब ये गए थे ऑफिशियल टूर पे एक महीने के लिए और ऑफिशियल टूर को बाद में एक्सटेंड कर दिया गया है एक महीने के लिए फॉर वेकेशन. तो जो एक महीने तक ये ऑफिशियल टूर पे थे ये खर्चा ऑफिशियल एक्सपेंस है, इसे परक्विजिट नहीं बोल सकते. लेकिन जो बाद में एक महीने का वेकेशन मिल गया, इट इज अ बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई फ्रॉम एम्प्लॉयर, इसको हम परक्विजिट बोलेंगे. परक्विजिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेकेशन ऑफ द एम्प्लॉई, और इसमें से माइनस कर देंगे जितना पैसा हमने एम्प्लॉई से रिकवर कर लिया, और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम क्या बोल देंगे, उस वैल्यू को हम बोल देंगे टैक्सेबल परक्विजिट. चलिए चार केसेस देखे हमने, फटाफट से समझते हैं. पहला कह रहा है कि सर अगर टूरिंग ट्रैवलिंग की फैसिलिटी एम्प्लॉयर मेंटेन करता है लेकिन ये यूनिफॉर्मली सब एम्प्लॉयज को नहीं मिलती है, तो आउटसाइड एजेंसी इसका जो पैसा चार्ज करती है पब्लिक से उस पैसे को ले लेंगे और उस पैसे में से हम माइनस कर देंगे जितना पैसा हमने एम्प्लॉय से रिकवर करा लिया. दूसरा पॉइंट देखा, सर सच फैसिलिटीज मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर एंड इट इज अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल द एम्प्लॉयज, मतलब सब एम्प्लॉयज को मौका मिलता है बाहर घूमने जाने का और खर्चा उठाता है एम्प्लॉयर, तो इस केसेस में जितना पैसा एम्प्लॉयर ने खर्च किया है उस पैसे को हम बोल देंगे परक्विजिट और उसमें से अपन माइनस करवा देंगे जितना पैसा हमने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है. तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सर एम्प्लॉय गया है ऑफिशियल टूर में और उसके साथ उसके किसी फैमिली मेंबर ने एकम्पनी किया है जिसका खर्चा एम्प्लॉय ना उठाकर एम्प्लॉयर उठा रहा है, तो इस केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय शैल बी द अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, और उसमें से माइनस कर देंगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय. लास्ट में कह रहा है कि सर ऑफिशियल टूर को एक्सटेंड कर दिया गया है वेकेशन पे, तो अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेकेशन ऑफ द एम्प्लॉय लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय. बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट. अगले परक्विजिट की तरफ मूव ऑन करते हैं. अगला परक्विजिट किसकी बात करता है, अगला परक्विजिट बात करता है फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस. तो अगर आपको फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस मिल रहे हैं, टी कॉफी स्नैक्स मिल रहा है आपको, तो उस केस में क्या होने वाला है. हमने यहां पर भी तीन कैटेगरीज बनाई है. पहली कैटेगरी है टी और स्नैक प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर, दूसरा है फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर इन रिमोट लोकेशन और इन ऑफशोर लोकेशन.
और तीसरा है फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर। चलिए पहले बात करते हैं टी और स्नैक प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर, तो परक्विजिट की वैल्यू निकलेगी, परक्विजिट की वैल्यू निकलेगी निल। निल क्यों निकल रही है? क्योंकि सर टी और स्नैक इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आप सर होश में रहो, आपको नींद ना आए। चाय का काम क्या है, कॉफी का काम क्या है, सर ये नींद भगा देती है, तो आपका एम्प्लॉयर आपको टी और स्नैक इसलिए सर्व कर रहा है ताकि आप उसका काम नींद में ना करो, होश में करो। ठीक है, तो इस केस में परक्विजिट की वैल्यू क्या रहेगी? निल। दूसरा कह रहा है कि सर अगर आप फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस दे रहे हो रिमोट लोकेशन, दूर दराज जंगल में काम हो रहा है, तो सर जंगल में खाना कहां से आएगा? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू अरेंज फूड फॉर द एम्प्लॉय। तो अगर रिमोट लोकेशन पे फ्री फूड प्रोवाइड करा जा रहा है तो उस फ्री फूड की कोई वैल्यू चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी। सिमिलरली ऑफशोर इंस्टॉलेशन हो रहा है सर, समुद्र के बीच में काम चल रहा है, तो समुद्र के बीच में अगर काम चल रहा है तो वहां पर भी खाना कहां से मिलेगा, कौन सा कैफेटेरिया अवेलेबल है वहां पर, कौन सा रेस्टोरेंट अवेलेबल है वहां पर? वहां पर कोई कैफेटेरिया कोई रेस्टोरेंट अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में भी आपको अगर ऑफशोर इंस्टॉलेशन की जगह पर अगर फ्री फूड प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर तो उसका वैल्यू भी क्या रहेगा, उसका वैल्यू भी रहेगा निल। क्लियर। इसके बाद आता है फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर इन ऑफिस और बिजनेस प्रोवाइड्स। तो अगर फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस दिया जा रहा है वर्किंग आवर्स में इन ऑफिस और बिजनेस प्रीमाइसेस और थ्रू पेड वाउचर्स यूजेबल एट ईटिंग जॉइंट्स। तो अगर ऑफिस में फ्री फूड मिल रहा है, बिजनेस प्रीमाइसेस में फ्री फूड मिल रहा है, या फिर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पेड वाउचर्स दे दिए, फॉर एग्जाम्पल सर KFC का वाउचर दे दिया आपको या फिर आपको मैकडोनल्ड्स का वाउचर दे दिया, तो इन वाउचर्स को आप रिडीम करा सकते हो अंदर KFC आउटलेट, इस वाउचर को आप रिडीम करा सकते हो इन मैकडोनल्ड्स आउटलेट, तो ये तरीके का बेनिफिट हो गया। तो अब यहां पर क्या कह रहा है सर, कॉस्ट ऑफ फूड्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, इसमें से माइनस कर देंगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम क्या बोल देंगे, उस वैल्यू को हम नाम दे देंगे टैक्सेबल परक्विजिट का। और नीचे कह रहा है कि अगर वैल्यू ऑफ परक्विजिट 50 रुपए पर मील निकलती है, अगर वैल्यू ऑफ परक्विजिट 50 रुपए पर मील निकलती है देन इट शैल नॉट बी टैक्सेबल। यानी कि ये जो वैल्यू निकली है अगर ये वैल्यू अप टू 50 है, ये वैल्यू अगर अप टू 50 है तो कुछ भी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स नहीं। समझ में आ गई? चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। फ्री फूड में अगर आपको टी कॉफी स्नैक मिला है कहीं पर भी मिला हो इट विल नॉट बी चार्जेबल। अगर आपको फ्री फूड दिया गया है ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स रिमोट एरिया में या फिर ऑफशोर इंस्टॉलेशन वाली साइट पर तो इस केस में भी वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या रहेगा, निल रहेगा। अगर आपको फ्री फूड दिया गया है या फिर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस दिया गया है इन ऑफिस और बिजनेस प्रीमाइसेस और थ्रू द पेड वाउचर्स, तो जितने का फूड आपके एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड किया है उसमें से माइनस करा देंगे जितना पैसा आपके एम्प्लॉयर ने आपसे रिकवर कर लिया है। बची हुई वैल्यू अगर 50 रुपए से ज्यादा है तो जितना एक्स्ट्रा है वो चार्जेबल टू टैक्स, और जो वैल्यू अगर 50 रुपए तक आ रही है देन इट विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। आई होप सब क्लियर है आप लोगों को। बढ़े आगे, चलिए गुड, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। एक्सपेंसेस ऑन क्रेडिट कार्ड, एक्सपेंसेस ऑन क्रेडिट कार्ड। आपके एम्प्लॉयर ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है और उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप ऑफिशियल पर्पस के लिए करते हो, अगर हाँ उस कार्ड का इस्तेमाल अगर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए करते हो तो टैक्सेबल परक्विजिट होगा नहीं, और अगर उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप पर्सनल यूज के लिए करते हो तो उस केस में क्या होगा, जितना पैसा एम्प्लॉयर ने खर्चा है उसमें से जितना पैसा एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है उसे माइनस कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम नाम दे देंगे टैक्सेबल परक्विजिट। उस वैल्यू को हम नाम दे देंगे टैक्सेबल परक्विजिट। आसान सा है सर, अगर एम्प्लॉयर ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है जिसका इस्तेमाल आप केवल ऑफिशियल पर्पस के लिए करते हो तो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, इट विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स, और अगर आप इसको पर्सनल यूज में इस्तेमाल करते हो तो जितना पैसा आपके एम्प्लॉयर ने उस क्रेडिट कार्ड पे खर्चा है आपके लिए उसमें से माइनस करवा देंगे
जितना पैसा उसने आपसे रिकवर कर लिया है बचा हुआ पैसा हो जाएगा चार्जेबल टू टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्रेडिट कार्ड यूज किया पर्सनल पर्पस के लिए, से मैंने खर्च किए 40,000 रुपए। अब क्योंकि क्रेडिट कार्ड किसके नाम पे था, क्रेडिट कार्ड था एम्प्लॉयर के नाम से, तो बिल भी किसके नाम पे फटा होगा, एम्प्लॉयर के नाम से। तो एम्प्लॉयर ने बैंक को कितने रुपए पे किए होंगे, 40,000 रुपए। एम्प्लॉयर ने मेरे से रिकवर कर लिए 25,000 रुपए, तो उसने 40,000 रुपए दिए और मुझसे कितने रिकवर किए, केवल 25,000 रुपए। तो टैक्सेबल परक्विजिट कितना होगा, 40,000 का बेनिफिट दिया और 25,000 ले लिए, यानी कि नेट बेनिफिट हमें कितने का रिसीव हुआ, 15,000 रुपए का। दिस 15,000 विल बी चार्जेबल टू, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरीके से अगला पॉइंट है हमारा क्लब मेंबरशिप एक्सपेंस। अगर आप क्लब मेंबरशिप का इस्तेमाल केवल ऑफिशियल पर्पस के लिए करते हो तो परक्विजिट की वैल्यू नील, और अगर पर्सनल यूज के लिए करते हो तो हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट इनकर किया है एम्प्लॉयर ने उसमें से माइनस कर देंगे, जितना पैसा उसने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है, बची हुई वैल्यू को हम क्या नाम दे देंगे, बची हुई वैल्यू को हम नाम दे देंगे टैक्सेबल परक्विजिट। बिल्कुल सिमिलर है क्लब वाले से। ट्रीटमेंट ऑफ एनी अदर बेनिफिट और एमिनिटी, ट्रीटमेंट ऑफ एनी अदर बेनिफिट और एमिनिटी, अगर आपको और कोई बेनिफिट और एमिनिटी प्रोवाइड करी है एम्प्लॉयर ने तो उसका क्या होगा। तो जितना पैसा एम्प्लॉयर ने इनकर किया है, अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, इसमें से माइनस कर देंगे जितना पैसा उसने एम्प्लॉय से रिकवर करा लिया है, जो बचेगा वो पैसा आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल परक्विजिट। बिल्कुल आसान सा है। अगर ऊपर लिखे हुए बेनिफिट्स के अलावा एम्प्लॉयर ने कोई और बेनिफिट दिया है, ऊपर लिखे हुए बेनिफिट्स के अलावा अगर एम्प्लॉयर ने कोई और बेनिफिट दिया है तो उस बेनिफिट को कैसे चार्जेबल टू टैक्स करेंगे, जितना पैसा एम्प्लॉयर ने खर्चा है उसमें से माइनस कर देंगे जितना पैसा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है, बची हुई वैल्यू इज द टैक्सेबल परक्विजिट। आगे कह रहा है, इफ एम्प्लॉयर हैज इनकर्ड द एक्सपेंसेस ऑन टेलीफोन, अगर एम्प्लॉयर ने टेलीफोन पे पैसा खर्च किया है या फिर एम्प्लॉयर ने मोबाइल फोन पर पैसा खर्च किया है, एम्प्लॉयर ने टेलीफोन पे पैसा खर्च किया है या फिर मोबाइल फोन पे पैसा खर्च किया है, देन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी, फिर उस केस में कुछ भी चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का टेलीफोन बिल का पेमेंट किया है, मोबाइल फोन के बिल का पेमेंट किया है, तो वो टैक्सेबल परक्विजिट नहीं है। इसका भी सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा रीजन ये है कि एम्प्लॉयर आपके टेलीफोन बिल का पेमेंट इसलिए करता है ताकि आप ये बहाना ना बनाओ कि सर हमारे पास बैलेंस नहीं था, वो हमारे पैसे खर्च हो गए। ऐसा कोई भी एक्सक्यूज आप ना दें, इसके लिए वो आपका मोबाइल फोन रिचार्ज करवाता है या फिर आपका टेलीफोन बिल पे करता है। तो इसको सोली ऑफिशियल पर्पस के लिए हम कंसीडर करते हैं, कुछ भी पर्सनल बेनिफिट इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। इसलिए जो वैल्यू आपका एम्प्लॉयर एज अ टेलीफोन बिल पे कर रहा है, एज अ मोबाइल फोन का एक्सपेंसिस पे कर रहा है, उसे हम परक्विजिट कंसीडर नहीं करते हैं। सॉरी, परक्विजिट तो कंसीडर करते हैं लेकिन उसका वैल्यू चार्जेबल टू टैक्स नहीं करते। क्लियर है बात? इस वीडियो में हमने समझा कि परक्विजिट्स क्या होते हैं, इस वीडियो में हमने समझा परक्विजिट्स कौन से होते हैं जो टैक्सेबल होते हैं इन द हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। ऐसे कौन से परक्विजिट्स हैं जो टैक्सेबल हैं इन हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, तो इसके अंदर हमने पहला देखा था रेंट फ्री और कंसेशनल एकोमोडेशन, रेंट फ्री और कंसेशनल एकोमोडेशन। दूसरा फिर इसके अंदर हमने देखा इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। तीसरा हमने देखा यूज ऑफ मूवेबल एसेट। चौथा हमने देखा
ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। पांचवा हमने देखा मूवेबल असेट के बाद ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन वाला। सिक्स्थ हमने देखा क्रेडिट कार्ड वाला। सेवेंथ हमने देखा क्लब मेंबरशिप वाला। एट्थ हमने देखा अदर परक्विजिट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे जो परक्विजिट्स हमने आज सीखे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो तो आप नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम क्वेश्चंस लगवाएंगे उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट, ये परक्विजिट्स आपके बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। एंड माइंड यू, दीज परक्विजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये परक्विजिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता है कि जब सैलरी का क्वेश्चन आए तो उनमें एक भी ऐसा परक्विजिट ना मिले। ठीक है, देयर आर चांसेस कि आपको इसमें से परक्विजिट वहां पर अवेलेबल होगी। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। टाटा, बाय बाय।